हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अधीर है और ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनके पास कोई भी जिम के इक्विपमेंट्स नहीं है और उनके पास कोई भी जिम का मेंबरशिप भी नहीं है। वो लोग भी वर्कआउट करना चाहते हैं और अपने डेली लाइफ में फिट रहने की भी कोशिश करना चाहते हैं, तो मैं उन सभी लोग के लिए लेके आया हूँ फुल बॉडी वर्कआउट, जो कि आप ऐसे खुले जगह पर कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हो। मैं तो अपने घर पे ही ट्रेन करता हूँ। जो भी मैं एक्सरसाइजेस आपको बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको यूज में लेना है बस डिसिप्लिन, साथ ही फुल फोकस, मन में बस फिटनेस की चाह होनी चाहिए। बस और भी कुछ ये लगने वाली है, जैसे कि ये ईट और साथ में ये बैग हम यूज करने वाले हैं। और मैंने ये ईट इसलिए ली है ताकि मुझे एक रेजिस्टेंस मिल सके। ईट को सबसे पहले मैं इस बैग में रखने वाला हूँ। आप कोई भी चीज जैसे कि पत्थर के टुकड़े भी रख सकते हो या फिर अपने वेट के हिसाब से ऐसी ईट का भी यूज कर सकते हो। मैंने इस ईट को इस बैग में रख दिया है। तो हम कुल मिलाकर 5 एक्सरसाइज को परफॉर्म करने वाले हैं। जितने भी रेप्स लेंगे हमें उतने रेप्स को निकालने हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है ना, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इस रूटीन का हम पहला एक्सरसाइज को परफॉर्म करने जा रहे हैं, जो की है स्क्वाट्स। अगर आप 10 से 15 रेप्स निकाल पा रहे हो अभी, आप इस वेट का इस्तेमाल करना, नहीं तो आप पहले प्रैक्टिस करना। सबसे पहले आपको एक नैरो स्टैंड लेना है और नीचे जाना है, 2 सेकंड होल्ड करना है, फिर अपने पैरों से प्रेस करके ऊपर आना। अगर आप इस तरीके से 20 से ज्यादा रेप्स निकाल लेते हो तभी आप वेट का इस्तेमाल करना, नहीं तो पहले प्रैक्टिस करना उसके बाद वेट का इस्तेमाल करना। स्क्वाट्स लगाने के बाद बिना रेस्ट लिए हम दूसरे एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो की है पुशअप। ये हमारे चेस्ट को ट्रेन करने वाला है बिना रेस्ट लिए। चलिए, आपको 2 पत्थर लेने हैं और इस तरीके से जमीन पर रखकर शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा वाइड लेना है, पूरा नीचे जाना है, फिर पूरा ऊपर आना है, फिर से पूरा नीचे जाना है, फिर से पूरा ऊपर आना है। अगर आपके लिए आसान है तो आप इस वेट का इस्तेमाल कर सकते हो, अपने पीठ पर इस तरीके से लगाकर आप इस तरीके से ट्रेन कर सकते हो। अब हम अपने तीसरे एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं, जो कि है हमारा शोल्डर। इस एक्सरसाइज को हम इस बैग से ट्रेन करने वाले हैं। मेरे पास फिलहाल एक ही बैग है, इसलिए पहले हम एक साइड को ट्रेन करेंगे। बैग के हैंडल को पकड़कर कुछ इस तरीके से हमें परफॉर्म करना है। पर जाने टाइम हमें 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, नीचे आने टाइम हमें धीरे धीरे नीचे आना है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें ज्यादा वेट देकर हमें ट्रेन नहीं करना है। अब हम अपने आर्म को ट्रेन करने वाले हैं, क्योंकि है 4th एक्सरसाइज। से पहले हम अपने ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे। हमें सबसे पहले एक पत्थर लेना है और थोड़ा अपने बॉडी को बेंड करना है, फिर कुछ इस तरीके से पीछे लाना है, पीछे लाकर कुछ सेकंड होल्ड करना है। तो याद रहे हमें स्क्वीज करना है। ये आपके ट्राइसेप को ट्रेन करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज बन जाती है। एक बार फिर से हम बिना रेस्ट लिए अपने बाइसेप को ट्रेन करने वाले हैं। इस तरीके से आप 2 पत्थर लीजिए, शुरुआत में नॉर्मल वेट के साथ, मतलब इस ईट से करना कुछ इस तरीके से, अच्छे से इसमें स्क्वीज करना और जितना रेप्स हो सके उतना आप निकालने की कोशिश करना। के बाद आपको करना है तुरंत प्लैंक की एक्सरसाइज। मैं बताता हूँ किस तरीके से। प्लैंक में आपको 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखना है अपने कोर को, तो सीधा रखना है अपने बॉडी को, ना ज्यादा झुकना है ना ज्यादा उठना है। इसी के साथ हमारे सारे एक्सरसाइजेस खत्म होते हैं। हमने ट्रेन किया लेग, चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप, कोर को अच्छी तरीके से ट्रेन किया। अगर आपने एक सर्किट को कंप्लीट किया है ना, तो कुछ मिनट का रेस्ट लेने के बाद आप दूसरा सर्किट कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। पर इन एक्सरसाइजेस के आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आप इन सारे एक्सरसाइजेस को करके अपने फिटनेस की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। तो इनसे आपको रिजल्ट्स देखने को भी मिलेंगे।